हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिक्स बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर है द लीफ। द लीफ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ पॉइंट्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ है क्या? सिंपल लीफ वो लीफ है जिसमें लैमिना क्या होता है, एक होता है। लैमिना के बारे में हम लोग बता चुके थे कि लैमिना किसको कहते हैं, जिसका एक लैमिना हो, जो एक मिडरिब से निकल के एक लैमिना निकले, उसको क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ क्या होता है, जिसमें एक मिडरिब हो और मिडरिब से ढेर सारा क्या निकलता है, लीफलेट्स, जिसमें लीफलेट्स मेरा ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ लीफलेट्स मेरा क्या होते हैं, मोर होते हैं, मोर देन होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। हम लोग पिक्चर्स देख के उसको हम लोग समझ जाएंगे कि सिंपल लीफ कैसे होते हैं और कंपाउंड लीफ कैसे होते हैं। इमेजिनरी लीफलेट्स, इसको कहते हैं क्या, लीफेज, इसको हम लोग लीफलेट्स कहते हैं। ये जो दो बर्ड्स निकले उसको एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, और इस चीज को हम लोग स्टेम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, अब हम लोग का क्या है इस क्वेश्चन में, हम लोग देखेंगे कि देखिए स्टीम है, स्टीम में हम लोग को क्या निकल रहा है, एक पत्ता निकले। जैसे हम लोग लीफ, ये मैंगो का, पीपल का, ये सब का हम लोग लीफ देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका केवल एक ही पत्ता है। जब भी हम लोग लीव्स उसका तोड़ते हैं तो एक पत्ता निकलता है। लेकिन हम लोग आंवला का पत्ता देखें या नीम का पत्ता देखें या हम लोग ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे हम लोग रोज़ का पत्ता देखें, टैमरिंड का पत्ता देखें, उसका हम लोग क्या देखेंगे, लीफले मेरा मिडरिब क्या होता है, एक, और उसमें ढेर सारा मेरा क्या निकला रहता है, लीफ ब्लेड, क्या रहता है, लीफ ब्लेड। और इसी चीज इस लाइन इस जो जो सेडेड रीजन है, इसका जो सेडेड पार्ट जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लीफ एज। इमेजिनरी मतलब ऐसे हम लोग इमेज कर रहे हैं, लीफ का ये क्या है, एज है, एज मतलब एक कोना है। और ये मेरा दोनों बर्ड है। सिंपल लीफ में कुछ नहीं होता है, जिसका एक लीफ हो उसको कहेंगे सिंपल लीफ, जिसका ढेर सारा लीफ निकले उसको कहते हैं क्या, कंपाउंड लीफ। इसका कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग ले रहे हैं कि सिंपल लीफ में हम लोग क्या लिखेंगे, इट हैज अ सिंगल लीफ ब्लेड। और कंपाउंड लीफ में हम लोग क्या लिखेंगे, लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इंटू मेनी लीफलेट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम दे दिए, सिंपल लीफ का मैंगो, पीपल, ये सब हो जाएगा। और ये कंपाउंड लीफ का हम लोग का क्या हो जाएगा, ये नीम, मैंगो, फिर उसके बाद आंवला, ये सब का जो पत्ते होते हैं, ये सब का जो लीफ होता है, वो सब क्या होता है, मेरा कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो हम लोग 2-3 में भी पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन,
और मेरा स्वायर, वाटर, ये सब की मदद से जब मेरा खाना बनाता है पत्ता, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और हम लोग का किचन ऑफ द प्लांट्स क्या होते हैं, किचन ऑफ द मेरा प्लांट्स कौन है, लीफ। लीफ में ही हम लोग का क्या बनता है, खाना बनाता है। कौन बनाता है, पत्ता जो खाना बनाता है, और उसमें एक स्मॉल टीनी पोर्स होते हैं, उस टीनी पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, तो अब हम लोग का यही होता है। अब क्लोरोफिल किसको कहते हैं, जिस पत्ते में ग्रीन पिगमेंट हो, जिस पत्ते में ग्रीन पिगमेंट हो वो किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा। अब हम लोग का नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन उसको कहते हैं लॉस ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर का लॉसिंग होता है। हम लोग को ये बात पता है कि हम लोग जो है पत्ता में पानी हम लोग कहाँ जा, ये सॉरी प्लांट में हम लोग पानी कहाँ जाते हैं, डालते हैं रूट में। रूट में हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि क्या करता है रूट, रूट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को और मिनरल्स को भी। हम लोग कोई भी खाद डालते हैं तो हम लोग रूट में डालते हैं, और वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, पूरे प्लांट्स के बॉडी में पहुंचाता है, जैसे स्टीम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब सब जगह में पहुंचाता है वाटर और ये मिनरल्स को। और हम लोग को पत्ता में भी देता है, पत्ता में देता है क्योंकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सके। तो ट्रांसपिरेशन वही है, इट इज़ अ लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। ये वाटर को क्या करता है, लॉस करता है। जैसे हम लोग को वाटर वेपर के द्वारा भी हम लोग का लॉस होता है, और हम लोग का जो बॉडी होता है प्लांट्स का वो कूल होता है। अच्छा, हम लोग गर्मी में प्लांट में हम लोग पानी नहीं डालते हैं, तीन टाइम या दो टाइम तो कम से कम मिनिमम हम लोग को दो टाइम सुबह शाम डालना होता है। नहीं डालने के बाद हम लोग का क्या होता है, प्लांट एकदम सूख जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो प्लांट में जो अंदर जो भी मेरा वाटर है वो क्या होता है, वाटर वेपर के थ्रू वो उड़ जाता है। वाटर वेपर के थ्रू जब उड़ेगा तो प्लांट्स में हम लोग का पानी नहीं बचेगा, इससे प्लांट क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो हम लोग को प्लांट में पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि प्लांट में क्या रहे, कूल रहे, कूल ठंडा रहे। जब भी हम लोग प्लांट को छुए तो वो क्या रहे, एकदम मुरझाए नहीं, वो एकदम सही रहे, एकदम ग्रीनिश रहे। इसीलिए जब हम लोग का बरसात का सीजन होता है तो कोई भी प्लांट जो होता है, जैसे कैसा भी प्लांट हो, वो कभी भी क्या होता है, मुरझाया नहीं रहता, क्योंकि उसको ना एक्सेस ऑफ वाटर मिल जाता है। उसको जितना चाहिए उससे ज़्यादा उन लोग को पानी मिल जाता है, और पानी अच्छे से मिल जाता है उन लोग को, इसलिए वो पूरे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से खिले हुए रहते हैं और क्लीन भी होते हैं। उसके पत्ते भी क्या होते हैं, क्लीन होते हैं। और हम लोग को ये बात याद रखना है कि हम लोग को वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट। कौन करता है, रूट। और हम लोग वाटर कहाँ डालते हैं, सॉइल में, और रूट एब्जॉर्ब करके वो पूरे प्लांट्स के बॉडी में पहुँचाएगा, और प्लांट्स के बॉडी को कूल भी रहेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट अब क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग जिसको खाना खाते हैं, सॉरी हम लोग पानी भी पीते हैं, तो हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जो भी है, हम लोग रिस्पायरेशन में सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो क्या, हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो सेम प्लांट्स को भी चाहिए, प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, उसको भी ब्रीथिंग करना है। तो वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं, वो हम लोगों को क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, और खुद वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग का दोनों का बैलेंस बना रहता है। प्लांट्स का कमी होगा तो ह्यूमन नहीं रह पाएंगे, ह्यूमन का कमी होगा तो प्लांट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ेंगे तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। और लेकिन रात के समय में क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि रात में मेरा सोने से, रात में रात ले प्लांट्स के नीचे सोने से लोग मरने लगते हैं, भूत भूत आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रात में सेम हम लोग का उल्टा होने लगता है, हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एनी डे, लेकिन प्लांट्स का ऐसा नहीं होता है। रात में प्लांट क्या करने लगता है, वो भी ऑक्सीजन लेता है, और रात में वो भी क्या करने लगता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगता है। जो प्रोसेस हम करते हैं वो भी प्रोसेस वो भी करने लगता है। इससे क्या होता है, दोनों लोग एक ही काम करते हैं तो थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग रात में भी सोते समय ब्लैंकेट में कभी भी हम लोग पूरा कवर्ड करके फेस को नहीं सोएंगे, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन छोड़ेंगे, वही ऑक्सीजन मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बन के जाएगा आएगा, तो हम लोग का वो फ्रेश हवा नहीं मिल पाएगा। तो प्लांट्स के साथ भी यही है, इसको भी क्या चाहिए, फ्रेश चाहिए, वो रात में उल्टा काम होने लगता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट जो इंसेक्ट खाए। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट जो इंसेक्ट खाए, इधर तो हम लोग नहीं मिलता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो लोग का क्या होता है, उन लोग का बॉडी जो होता है वो स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब
उन लोग का बॉडी पूरा चिपचिपा होता है, जो भी इंसेक्ट बैठते हैं वो तुरंत वो क्या हो जाता है, तुरंत वो गल जाते हैं। उसको उतना जैसे इंसेक्ट बैठेगा वो चाहेगा उड़े, लेकिन जैसे ही वो बैठेगा वैसे वो स्टिकी इतना उन लोग का लेयर होता है कि उसमें वो चिपक जाएगा। इस चिपकने के बाद वो जो प्लांट होता है पूरा इंसेक्ट को ख़त्म कर देता है, खा जाता है। वही मेरा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ लाइफ क्या है, एक ऐसा पत्ता है जिसमें पत्ते में ही क्या होता है, प्लांट निकल जाता है। जैसे एक ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसके साइड में, जिसके एज में, प्लांट्स के एज में मेरा क्या निकलता है, न्यू लीव्स, न्यू प्लांट्स निकलते हैं छोटे छोटे। वही प्लांट से, पत्ते से ही प्लांट बन जाते हैं। इसी प्रोसेस, ये एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ लीव्स। मेरा कौन पूछेगा तो क्या होगा, ब्रायोफाइलम। अब हम लोग का यही है, ठीक है। अब हम लोग का, हम लोग पिछले क्लास में हम लीव्स को पूरा और भी बता दिए थे, आज इतना ही, आगे हम लोग पढ़ाएंगे द फ्लावर्स। आज के लिए इतना ही।